करते हैं इलस्ट्रेशन 7, कैश बुक से रिलेटेड है। तो इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम बनाते हैं फॉर्मेट। ये हमारा है फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के साथ रिसीप्ट, डेबिट साइड पे कैश और बैंक का कॉलम, और ऐसे ही क्रेडिट साइड पे भी हम बना लेंगे ये सभी कॉलम्स। अब देखते हैं फर्स्ट ट्रांजैक्शन। फर्स्ट है हमारे पास 1 जनवरी को कैश इन हैंड एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। तो जो हमें ओपनिंग बैलेंस दे रखा है कैश का जो बैलेंस है 1 जनवरी को, 2 बैलेंस BD कर देंगे 70,000। बट कैश जो बैंक के कॉलम का है हमें बता रखा है बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब है दैट इज क्रेडिट बैलेंस। तो हम इसे क्रेडिट साइड पे ही शो करेंगे 1 जनवरी को बाय बैलेंस BD 50,000 बैंक के कॉलम में ये जाएगा। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। जब 4 जनवरी को हम सामान बेच रहे हैं, जर्नल सी बात बताइए, तो कैश रिसीव क्यों होगा, तो कैश के रिसीप्ट के कॉलम में 2 सेल्स हो जाएगा, अमाउंट आ जाएगा 50,000। हमारे पास कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश बैंक में डिपॉजिट कराया 80,000, तो ये हमारी हो जाएगी कॉन्ट्रा एंट्री। 80,000 था कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, तो कैश के कॉलम में 80,000 रुपीज क्रेडिट साइड चले जाएंगे, लिख देंगे बाय बैंक, और आपके बैंक में ये पैसे डिपॉजिट हो रहे हैं, बैंक में बैलेंस बढ़ रहा है, तो बैंक की डेबिट में 80,000 टू कैश हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री जो आपको गिवन है, परचेज गुड्स फ्रॉम मीना, मीना से हमने सामान खरीदा है। इसका मतलब यहाँ पे इसने ये नहीं बोला कि कैश में खरीदा है, मतलब ये उधार की एंट्री है, क्रेडिट खरीदा है, ना ही तो ये कैश पे इफेक्ट डाल रहा है ना ही बैंक पे, इसीलिए इस ट्रांजैक्शन को एंटर नहीं किया जाएगा। लास्ट में आप नोट दे देना। नेक्स्ट 7 जनवरी को कैश इशू टू मीना इन फुल सेटलमेंट 28,800। इसका मतलब हमने पहले ये देखना पड़ेगा कि मीना को हमने कितने रुपए देने थे, 30,000। मीना से जो हमने सामान खरीदा था कितने देने थे, 30,000, लेकिन फुल सेटलमेंट में हम उसको दे रहे हैं 28,800, तो मतलब 1,200 हो जाएगा डिस्काउंट। एक्चुअल में जो कैश पे इफेक्ट पड़ रहा है दैट इज ओनली द अमाउंट 28,800। तो 7 जनवरी को हम लिख देंगे बाय मीना 28,800 रुपीज, डिस्काउंट को हम यहाँ शो नहीं करेंगे। नेक्स्ट है विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, बैंक से निकाला है लेकिन कैश में डाला नहीं है, पर्सनली यूज कर लिया हमने वो अमाउंट जो 5,000 रुपए है, तो हो जाएगा बाय ड्रॉइंग्स। तो 8 जनवरी को हो जाएगा बाय ड्रॉइंग्स 5,000 रुपीज। तो सामान हमने बेचा है और चेक प्राप्त किया है लेकिन वो चेक हमने बैंक में जमा नहीं कराया, इसीलिए उसे हमने अभी कैश इक्विवेलेंट मानते हुए, क्योंकि हमने उसको कैश बॉक्स में रखा है तो वहां बढ़ा है पैसा, इसीलिए कैश के कॉलम में दिखा दिए 25,000 रुपए। तो 17 जनवरी को हम वही चेक बैंक में जमा करा रहे हैं, तो कैश डिपॉजिट इनटू बैंक की तरह कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी टू कैश, कॉन्ट्रा एंट्री बैंक के कॉलम में डेबिट साइड चले गए और कैश के कॉलम में क्रेडिट साइड चले गए 25,000 रुपीज, बाय बैंक कर दिया 17 जनवरी डेट। 20 जनवरी की ट्रांजैक्शन है बैंक चार्जेस रुपीज 500 रुपीज। बैंक चार्जेस का मतलब होता है कि बैंक वालों ने हमारे खाते से कुछ चार्जेस काट लिए, बैंक जो हमें सुविधाएं देता है ना उसके बदले, तो बाय बैंक चार्जेस रुपीज 500 आ जाएगा आपका, क्योंकि बैंक ने हमारे अकाउंट से कुछ चार्जेस काटे हैं। नेक्स्ट है इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक, इसकी भी सेम एंट्री हो जाएगी। जब बैंक चार्जेस काटता है इसका मतलब है तो ये भी, तो बैंक चार्जेस जो कटते हैं वो इसीलिए कटते हैं क्योंकि बैंक हमें अन्य सुविधाएं देता है, और अगर हमने बैंक से ओवरड्राफ्ट कर रखा है तो बैंक उस पर हमारा इंटरेस्ट लगाएगा,
वो भी हमारे खाते से कम करेगा, इसीलिए बाय इंटरेस्ट हो गया 2,500 रुपए। रिसीव्ड कैश फ्रॉम रमेश, 23 जनवरी को रमेश से कैश रिसीव किया, तो सिंपल एंट्री हो जाएगी कैश के कॉलम में। 23 जनवरी को टू रमेश अमाउंट आ जाएगा 28,000 रुपए इन कैश कॉलम। पेड सुनीताज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक, सुनीता का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पे किया है, उसका पर्सनल खर्चा है ये, इसीलिए क्या एंट्री करेंगे बाय ड्रॉइंग्स बैंक के कॉलम में। चेक से उसका हमने पेमेंट किया है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का, लेकिन लिखा क्या जाएगा बाय ड्रॉइंग्स 15,000 रुपए। नाउ लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एंट्री, डिपॉजिट इनटू बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 5,000 कैश इन बिजनेस, मतलब कैश के कॉलम में 5,000 रुपए बचे, उतना बचा के बाकी सारा पैसा बैंक में डिपॉजिट करना है। तो उसके लिए हमें पहले कैश के कॉलम का वर्किंग नोट्स में, तो लास्ट एंट्री को समझने के लिए हमें रफली पहले वर्किंग नोट्स में कैश रिसीप्ट देखना पड़ेगा, दैट इज 1,73,000 एंड कैश पेमेंट 1,05,000। हमारे पास कैश बच रहा है 68,000 और वो कह रहे हैं कि 5,000 बस अपने पास रखो और बाकी सारा बैंक में जमा करा दो। तो कैश 5,000 अगर हम अपने पास रखते हैं तो 63,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट करने की कॉन्ट्रा एंट्री हमें करनी होगी। तो 63,000 की अब हमने कॉन्ट्रा एंट्री कर दी टू कैश और बाय बैंक। नाउ एट लास्ट हम बैलेंसिंग करेंगे, कैश में 73,000 टोटल है, 5,000 ही बैलेंस बचेगा बाय बैलेंस सीधी, और बैंक का टोटल आ रहा है 1,68,000। हमारे पास 1,68,000 में से टोटल पेमेंट्स बैंक के कॉलम की सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आ रहा है 62,200। सॉल्यूशन के लिए आप लोग यहां से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।